रोज़मर्रा की ज़रूरतों में हम कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। हम चीज़ें तो खरीद लेते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट खरीदते हैं, खाने पीने की चीज़ें हों या कोई भी चीज़ हो। हम सोचते हैं कि अगर ये ब्रांड की चीज़ है तो ये काफ़ी अच्छी होगी, इसमें कोई मिलावट नहीं होगी या ये हमारी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन आप इस बात पर कहां तक सही हैं, क्या ये आप जानते हैं? शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चीज़ से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे देखकर या जिसका उपयोग कर आप ये कहेंगे कि हाँ, इस चीज़ से हमारी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा। हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं, एक ऐसी पर्सनालिटी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की है और समाज के लिए एक हितकारी काम में वो लगी हुई हैं। हम आपको मिलाने जा रहे हैं शांता फॉर्म की पल्लवी व्यास से, जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं और चाह रही हैं कि ये चीज़ें कुछ इस तरह से लोगों के सामने आए कि लोग इसका उपयोग करना शुरू करें। ये बाज़ार में लेकर आई हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों में यूज़ करते हैं। इनका एक डेयरी फॉर्म भी है जहाँ ये गायों का दूध सप्लाई करने का काम करती हैं और यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर मशीनें लगाई हुई हैं जिससे कि बिना किसी टच के वो दूध एक कांच की बॉटल में पैक होता है और वो सर्व किया जाता है, लोगों तक पहुँचाया जाता है। और अपनी इस डेयरी फॉर्म के साथ ही, शांता फॉर्म के साथ ही उन्होंने एक और चीज़ स्टार्ट की है जो कि है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाना। ये सीधा किसानों से ऑर्गेनिक चीज़ें जिनमें मसाले, दाल और हमारी रोज़मर्रा की अन्य चीज़ें शामिल हैं वो किसानों से सीधा लेती हैं और जनता तक पहुंचाती हैं। इनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में कई ऐसी चीज़ें भी शामिल हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। तो आइए आपको मिलाते हैं इनसे और जानते हैं इनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले आप मुझे शांता फॉर्म के बारे में बताइए कि शांता फॉर्म क्या है। शांता फॉर्म इंदौर में एक कॉन्सेप्ट लेके हमने लॉन्च किया है, क्योंकि जब हमने शांता फॉर्म की शुरुआत की तब हमने आसपास देखा कि यहाँ पे सिर्फ हॉकर्स मिल्क अवेलेबल था एंड जो स्टेट कोऑपरेटिव और सेंट्रल कोऑपरेटिव है वही अवेलेबल था। तो हमने यहाँ गाय के दूध के बारे में अवेयरनेस की थॉट को लेकर हमने शांता फार्म की शुरुआत की कि हर जन तक, आम जन तक गाय के दूध की अप्रोच हो, क्योंकि गाय का दूध ऐसा है कि उसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत अधिक है। तो हमने यहाँ से 60 किलोमीटर दूर शांता फार्म के नाम से हमारा फार्म सेटअप किया। जमीन भी नहीं थी, ना हमें जमीन का नॉलेज था ना गायों का नॉलेज था, फिर भी हमने उस पर शुरुआत की, उस जमीन को डेवलप किया, तालाब की मिट्टी से डेवलप किया, तो वो कम्प्लीटली अनसेट ऑर्गेनिक थी। उस पर हम गायों का फॉर्डर हमने उगाया और हमने 6 गायों से शुरुआत की। आज फार्म पे 200 गाय हैं, कंप्लीट ऑटोमेटेड फार्म है, हमने वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का फार्म मेंटेन किया है। आज फार्म पे कई सारी हम लोग जैसे एम्बेसीज के साथ काम कर रहे हैं, जैसे एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड इज़ वेरी गुड एंड ऑर्गेनिकली नीदरलैंड काम करता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे डेयरी हो, पर हम लोग उनसे सीख के समझ के हम उनके गाइडेंस में हमारे फार्म का मेंटेन करते हैं। और शांता फार्म पे जो दूध निकलता है, गाय का दूध निकलने से लेकर जब तक होम डिलीवरी होती है तब तक ये विदाउट ह्यूमन टच, एंटी बैक्टीरियल, कोई हार्मोन्स एडेड नहीं रहता है, हार्मोन्स इंजेक्शन नहीं लगाए जाते गायों को, और कंप्लीट कोल्ड चेन सिस्टम में हम लोग गाय का दूध ग्लास बॉटल में डिलीवर करते हैं। और ग्लास बॉटल में डिलीवर करने वाले वी वर द फर्स्ट एट MP जो कि पाश्चराइज्ड काउ मिल्क ग्लास बॉटल में होम डिलीवरी पे अवेल करते थे, एंड वी वर द थर्ड एट इंडिया दैट टाइम। तो जब हमने ये शुरुआत की तो शांता फार्म के माध्यम से हमने काउ मिल्क की डिलीवरी स्टार्ट की और आज हम उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हमने काउ घी लॉन्च किया शांता फार्म का। Okay. शांता फॉर्म को खोलने के पीछे वजह क्या रही, कुछ रीजन था जिसकी वजह से आपने सोचा कि शांता फॉर्म जैसी कोई चीज लाना चाहिए? एक्चुअली इसके लिए एक बहुत मतलब
थोड़ी मार्मिक कहानी है. मैं सिंपल हाउसवाइफ थी टिल द एज ऑफ 35 इयर्स. मेरे दो बच्चे हैं, सास ससुर है. सास भी बहुत प्यार करने वाली, इतना मतलब इतनी शौकीन मिजाज, मैंने इतनी शौकीन थी मम्मी. मतलब मैं तो फिर भी थोड़ा सा कई बार लेजी हो जाती हूँ कि नहीं मैं त्यौहार पे नहीं रेडी होना, ठीक है शाम को. पर मम्मी को देखा मैंने कि वो इतनी एक्टिव लेडी थी. पर जब उन्हें मेरा बेटा होने वाला था, मैं आज वो 11 साल का है, 10 साल पहले जब मतलब बेटा होने वाला था तब उनको हल्का सा ब्रेस्ट में लंप हुआ. मतलब आई वॉज इन द फुल टाइम, मैं पूरा महीने चल रहे थे मुझे. और तब मम्मी को पता चला, जब हम डॉक्टर को डायग्नोज किया 2 महीने बाद, बेटे होने के 2 महीने बाद, मतलब जब मैं तो खैर डिलीवरी पे ही थी, तब पता चला कि उनको कैंसर हो गया है. उनका हाथ क्या था, हमने ब्रेस्ट कैंसर था, तो हमने सोचा कि वो रिमूवेबल है, सही हो जाएगा या ऐसा कुछ. बट दो हमने पूरा इलाज कराया उनका, उस समय साल भर तक वो फिर ठीक रही. पर डेढ़ साल में जब उनको कैंसर वापस री अटैक हुआ, तब हमारे पास जब हमें पता चला कि कैंसर फिर से री अटैक हुआ और उनके पास तो समय ही नहीं है, सिर्फ 10 दिन का समय. तो डेट टाइम ये सारी चीजें ने सोच पे मतलब हमारी मजबूत की कि हम लोग ये क्यों होती है बीमारी, क्योंकि उनके न तो कोई व्यसन न कुछ कुछ भी नहीं, लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छी, क्या रीजन है. और उस समय जब आप किसी ट्रॉमा से जब आप गुजर रहे होते हो, तब शायद तब अपने आसपास भी जब लोगों को देखते ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग नजर आते हैं जब आप किसी मेंटल स्टेट में होते हो. तो शायद ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ उस समय, मुझे मेरी फैमिली को भी देखना, सबको देखना. और तब ऑर्गेनिक के प्रति, मतलब पेस्टिसाइड एंड केमिकल फ्री चीजों के प्रति मेरी जो सोच थी, वो मेरी सोच थी कि मैं मेरे बच्चों को दूँ और फैमिली को अवेल करूँ. बट समहाउ उस वक्त मैं मेरे लिए सोचती थी, वो कोशिश करती थी. फिर ये समय गुजरा कैसे भी, फिर 3 साल बाद जब हमने शांता ट्रेड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जब हमारी एक्सपोर्ट यूनिट स्टार्ट की, वो हम एक्सपोर्ट US करते थे, अभी भी है वो. शांता फार्म इज अ यूनिट ऑफ शांता ट्रेड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड. तो हम लोग US एक्सपोर्ट करते थे. वहाँ US में जब हमने ऑर्गेनिक के प्रति लोगों की अवेयरनेस देखी, और जब हमने हमारे इंडिया में देखा कि हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग सबसे वर्स्ट थर्ड ग्रेड चीजें मतलब हम लोग चूज करते हैं, पॉलिश्ड चीजें, शाइनिंग में अट्रैक्ट होते हैं, हम लोग इतने अवेयर नहीं रहते कि हमें प्योर खाना चाहिए. तो तब ये थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ कि हम लोग क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, हम भी ऐसा करें कि हम एंड यूजर को प्योर चीजें मिले, या हम लोग जो वाकई में जो पे कर सकते हैं उन्हें प्योरिटी मिले. तो ये वाली थॉट प्रोसेस के द्वारा हमने सोचा कि क्या देख क्या करें, किस चीज से शुरुआत करें जो हम सोसाइटी को कुछ सर्व कर पाए, सोसाइटी को दे पाए. तो तब कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी बोल सकते हैं कि ईश्वर की मर्जी थी कि हमें इस कार्य में आना था, तो हमें इस तरह के लोग मिले कि नहीं. हमने कहा कि हम डेयरी की शुरुआत करते हैं, मिल्क से शुरुआत करते हैं, और गाय ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक मेन्योर ले सकते हैं, गाय के थ्रू हम ऑर्गेनिक काउ डंग एंड काउ यूरिन ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, और प्योर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लोगों को दे सकते हैं. तो प्योरिटी का सिर्फ एक पशुपालन के द्वारा हम कंप्लीट चेन मेंटेन कर सकते हैं. तो इसीलिए हम फिर इस फील्ड में आए और हमने शांता फार्म की शुरुआत की. रिसेंटली आपने कई सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो फिलहाल लॉन्च हुए हैं और लोगों के लिए काफी अच्छे हैं? एक्चुअली रिसेंटली हमने जो प्रोडक्ट्स जो लॉन्च किए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये है. वैसे बेसिकली जो मैंने बोला है कि हमारा बेस मिल्क एंड घी है, काउ घी, क्योंकि वो फार्म पे होता है. बट क्योंकि मैं डेयरी एंड एग्रीकल्चर दोनों को एक सस्टेनेबिलिटी और इंटीग्रेटेड वे में काम कर रही हूँ, और ये भी है कि हम हमारे फार्म से पूरे कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हमने किसानों का भी समूह बनाया है. तो उसके थ्रू हम लोग जो प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं, तो देखा जाए तो हमने एक कॉन्सेप्ट, अभी ये दिवाली फेस्टिव सीजन है, उसमें हर व्यक्ति किसी न किसी को अपने प्रियजनों को या फिर अपने मिलने वालों को, किसी को ऑब्लिगेशन के तहत या किसी को ग्रीट करने के लिए किसी भी वे में कोई ना कोई गिफ्ट लेता है करता है. तो हमने ऑर्गेनिक गिफ्टिंग कॉन्सेप्ट इंदौर में लॉन्च किया है कि आप जैविक उपहार दें, उसमें हमने
मसालों को मेन इंग्रेडिएंट माना है, क्योंकि वो ऐसा लीस्ट नेग्लेक्टेड फील्ड है जिसमें व्यक्ति सोचता नहीं है कि ये भी एडल्ट्रेट हो सकते हैं क्या, या इनमें भी प्योरिटी की संभावना कहाँ से का। पर सबसे ज्यादा हम उन मसालों का यूज करते हैं, हर व्यक्ति करता है, तो इसीलिए हमने मसालों एक स्पाइस कॉम्बो हमने लॉन्च किया है, एक हमने एक हमारा प्रीमियम कॉम्बो लॉन्च किया है। हमने जो गेहूं के अलावा, गेहूं तो है ही, बट उसके अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी, मतलब इन इस तरह के आटों का भी फ्लोर फैमिली हमने लॉन्च की है, पल्स फैमिली हमने लॉन्च की है, कि जो पल्सेस आप फील द डिफरेंस कि आपकी घर के हाथ घर की बनी हुई दाल का डिफरेंस क्या होता है और एक जो पॉलिश्ड होके मशीन से निकल कर आती है उस दाल का टेस्ट क्या होता है। तो हमारी कोशिश ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैविक के प्रति समर्पित हो, तो ये गया। और सबसे बड़ी बात हमने मोरिंगा, जिसका हमने प्रूवन है कि हमने हमारे एनिमल्स पे काउ हेल्थ पे हमने एनिमल मोरिंगा को जैसे ऐड किया था, मोरिंगा जिसे मेरेकल ट्री के नाम से जाना जाता है, जो जिसमें हाई पोटेशियम, हाई कैल्शियम, हाई मिनरल्स, हाई एंटीऑक्सीडेंट और हाई आयरन होता है, दिस इज आल्सो एंटी कैंसरस। तो हमने मसालों में मोरिंगा पाउडर को भी इंक्लूड किया है कि एवरीबडी शुड यूज, कि हर व्यक्ति को वो खाना चाहिए ताकि आयरन डेफिशिएंसी ना हो। और आज हर व्यक्ति विटामिन B12 से पीड़ित है, आयरन डेफिशिएंसी है और इट्स वेरी गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ, तो कई सारी बीमारियों में भी काम आता है, इससे एंटी कैंसरस ऑल्सो। तो उस वो किया है हमने, मोरिंगा ग्रेन्यूल्स हमने लॉन्च किए हैं जो कि बच्चे भी उसे यूज करें, अदर चीज़ों जैसे चॉकलेट्स बहुत सारी खाते हैं, चॉकलेट्स नहीं, आप मोरिंगा ग्रेन्यूल्स को माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज कर सकते हैं। टर्मरिक को हमने एक हर्ब्स टी के रूप में यूज मतलब लॉन्च किया है, सिमून मिल्क मिक्स का नाम लिया है, तो यू कैन ड्रिंक इट विद हॉट वाटर और एल्स हॉट मिल्क, तो इट्स वेरी गुड। टर्मरिक हल्दी में जो प्योर हल्दी है उसका कुरक्यूमिन लेवल ही 5% से अबव है, तो उस वो वेरी गुड एंटी कैंसरस थिंग। तो ये सारी चीजें हमने लॉन्च की है कि जो कि हेल्दी है। अभी आपने डिफरेंस की बात की थी, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं और नॉर्मल प्रोडक्ट हैं उनमें क्या डिफरेंट है, तो आप थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों को ये अवेयर हो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्यों अच्छे हैं बिहाफ ऑफ नॉर्मल प्रोडक्ट। एक्चुअली नॉर्मल प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक नाम अभी आया है, ऑर्गेनिक नाम अभी बूम में आया है। पहले एंशिएंट वे में सब ऑर्गेनिक ही होता था जब पेस्टिसाइड एंड केमिकल का यूज नहीं होता था, बट जितनी ज्यादा जो रासायनिक कीटनाशक की कंपनियां और सारी सब मल्टीनेशनल कंपनियां सब आई हैं, उन्होंने ज्यादा ज्यादा पेस्टिसाइड देना शुरू कर दिया है, बट फार्मर किसान उतना अवेयर नहीं आता है, उसे उसकी यील्ड दिखती है कि कितना ज्यादा उसके खेत में पैदावार हुई है। उसको लाने की पूरी प्रोसेस क्या होती है, किसानों से लेना और लोगों तक पहुंचाना, ये पूरी प्रोसेस कैसे कंप्लीट होती है स्टार्टिंग से एंड तक? एक्चुअली ऑर्गेनिक हमने जैसे कि हमने शुरुआत की है हमारे फार्म से, विच इज ऑलरेडी हम लोग कम्प्लीटली ऑर्गेनिकली ही ग्रो कर रहे हैं, फार्म पे किसी भी तरह के कोई पेस्टिसाइड केमिकल का यूज नहीं होता है, बिकॉज क्योंकि हमारे पास तो खुद के पास 200 गायें हैं, उनके पास काउ डंग एंड काउ यूरिन अथा मात्रा में, इवन इतना है कि हमें रोज का मतलब हमें बाहर भी सेल करना पड़ता है हमारे फार्म के अलावा, तो वो तो है ही। तो शुरुआत बेस तो हमारा वही था, और रही दूसरे किसानों के बाद, जो आप जो बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो 2000 किसान जुड़ चुके हैं वो कम्प्लीटली, पहली बात तो हम एक एक किसान के वहाँ हमने खुद ने विजिट किया है, हमने उनका फार्म खुद ने देखा है और उनका ऑर्गेनिक वो एथिकली ऑर्गेनिक कर रहे हैं, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक तो है ही, बट आप खुद जान सकते हैं कि इंडिया में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक और एथिकली ऑर्गेनिक करने में बहुत डिफरेंस है। तो जो क्योंकि पर हम लोगों ने क्योंकि एक एक किसान का सर्वे किया और हम लोग एक एक किसान ढूंढ के और उनका ऑर्गेनिक फार्म का विजिट करके और फिर हम सोर्सिंग कर रहे हैं, और हमने जो हमारे ऑथेंटिक जो फार्मर्स हैं उन्हें हमने बोल दिया कि नहीं ठीक है, हम तुमसे ये वाला चीज़ ग्रो तुम करो,
ये इस बेल्ट पे, इतने बेल्ट पे तुम ये ग्रो करो, इतने बेल्ट पे ये जैसे तुम चना का ग्रो करो, इतने पे मूंग दाल ग्रो करो, इतने पे तुअर लगाओ और इतने पे सब्जियां लगाओ। तो और हनी बी के जो फार्मर्स हैं, हनी के जो फार्मर्स हैं वो हमारे कश्मीर के हैं, और जो केरला से हम गरम मसाले जो सोर्सिंग कर रहे हैं केरला से कर रहे हैं, फार्म पे ग्रो होती है टर्मरिक पूरी। यदि आप शांता फार्म का भी पेज देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि टर्मरिक पूरी हमने हमारे फार्म पे ग्रो किया है, उसका पूरा प्रोसेसिंग हमने फार्म पे किया है पिछले 3 साल से हम जो लोग जो काम कर रहे थे। तो इस तरह हम सोर्सिंग करके एक एक जगह से उसका केयर करके और फिर हमने लॉन्च किया है। ये आज का प्रोसेस नहीं है, 3 साल का लंबा प्रोसेस है जो आज क्रियान्वित हुआ है। शांता फार्म की शुरुआत जब आपने की तो बेसिकली ये डेयरी फार्म था शुरुआत में, तो डेयरी फार्म में स्टार्टिंग से आपने कितनी गायों के साथ स्टार्ट किया और अब वो कहाँ तक पहुँच चुका है? डेयरी फार्म की शुरुआत हमने शुरू में, क्योंकि ये कोई ऐसा शोरूम तो है नहीं कि आप एक साथ 100, 200, 500 कर लें, क्योंकि जितना ये हम जानवर के साथ डील कर रहे हैं तो हमें धीरे धीरे करके बढ़ाना होता है। तो सबसे पहले हमने 6 गायों से शुरुआत की, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे बढ़ाते गए। आज फार्म पे 200 गायें हैं, छोटी बड़ी मिला के सब, क्योंकि हर 6 महीने में हर उनका हर्ड बढ़ता जा रहा है, हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह करके फार्म पे हम आज फार्म पे 200 से 250 गाय हैं। कितना लीटर दूध का प्रोडक्शन हो जाता है गायों से? 800 से 1000 लीटर मिल्क पर डे हम लोग वहाँ से कर रहे हैं। हमारे 1000 कस्टमर्स हैं यहाँ पे। इट्स मैंने 800 से 1000 इसलिए बोला क्योंकि वेरी करता है, डिपेंड समर्स में या कभी मिल्किंग हुआ है, थोड़े समय में ड्राई पीरियड में रखना होता है, तो 200 लीटर का मार्जिन हम रख के करते हैं। बट हाँ, हमने अभी 1000 लीटर मिल्क पर डे हम लोग रिटेन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इतनी सारी गायें हैं तो ऑब्वियसली कि उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्योंकि वो सही रहेंगी तो प्रोडक्ट सही जाएगा, तो उनका हेल्थ मेंटेनेंस आप कैसे ऑब्जर्व करती हैं? वहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, फार्म पूरा ऑटोमेटेड है, हर गाय के गले में सेंसर लगा है, सेंसर से सारी एक्टिविटी सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड होती है। इवन गाय ने कितना पानी पिया है, कितना क्या खाना खाया है, उसका मतलब हीट स्ट्रेस कितना है, वो कब कंसीव हुई, उसका बेबी कौन सा है, तो सारी रिकॉर्डेड है सारी जानकारियाँ, क्योंकि उनके सेंसर लगा, सेंसर के थ्रू डायरेक्ट सॉफ्टवेयर में अपलोड होता है। तो वो सारी रिकॉर्ड हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे भी हम लोग मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से फार्म पे 24 आवर्स वेटरनरी फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे। यदि आप शांता फार्म का यूट्यूब भी देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें नॉलेज मिल जाएगा कि कहाँ से कैसे, मतलब सारा मॉनिटर कैसे करते हैं। ग्लास की जो बॉटल में आप दूध पैकेजिंग करते हैं तो उसका प्रोसेस कैसा रहता है? वो मतलब विदाउट टच होता है, तो वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं? फार्म पे ग्लास बॉटल फिलिंग प्लांट लगा है हम लोग। एनवायरमेंट, 2 कारण थे ग्लास बॉटल में लॉन्च करने के। एक तो एनवायरमेंटल थ्रेट है प्लास्टिक, जो कि अब लोग ज्यादा बोल रहे हैं, पर ये हम 3 साल पहले लॉन्च कर चुके थे। नो डाउट बहुत तकलीफें आई, कई लोगों ने हमें मूर्ख भी बोला कि आप ग्लास बॉटल में कैसे मैनेज कर पाओगे, प्लास्टिक में लॉन्च करो, पाउच में लॉन्च करो, ये सारी चीजें हुई। पर क्योंकि हम जैसा कि मैंने बताया आपको, हम एंटी कैंसरस काम कर रहे हैं और ग्लास में कंटेमिनेशन के चांसेस नहीं होते हैं, फार्म पे ही वहाँ पे बॉटल वॉशिंग और स्टरलाइजिंग प्लांट लगा है। फार्म पे ही बॉटल वॉश होती है एंड देन रिफिल होती है। ग्लास बॉटल भी हम वहाँ से फिर से कस्टमर के एंड से वापस लेते हैं, तो कस्टमर पे भी एक्स्ट्रा लगेज नहीं पड़ता। यदि आप सोचे पेट बॉटल रोज कोई एक व्यक्ति आपके यहाँ आके रख जाएगा तो महीने के एंड में आपके पास 30 बॉटल इकट्ठी हो जाएंगी, तो वो भी एक बड़ा सरदर्दी का काम है। तो ये सारी बातें हमने शुरू से ही सोच के हमने ग्लास बॉटल में ही लॉन्च किया। तो इस तरह से हम ग्लास बॉटल में काम करते हैं। ये ग्लास बॉटल का जो दूध है वो लोगों को कितने रुपए पर लीटर पड़ पाता है और कितने कस्टमर्स हैं जो ये मिल्क ले रहे हैं? ये 60 रुपीज पर लीटर है और गिर काऊ का मिल्क जो है वो 190 रुपीज पर लीटर है।
कस्टमर्स की बात की जाए तो कहाँ तक सेल हो रही है ये सारी चीजें? मैंने जैसे बताया आपको, हमारे कस्टमर्स हैं 800 से 1000 कस्टमर्स हमारे यहाँ इंदौर में, इंदौर में हाँ okay. क्योंकि मिल्क इज डिफरेंट थिंग, मिल्क का आप बाहर डिमांड बहुत है, नो डाउट बाहर डिमांड बहुत है, क्लीन मिल्क की डिमांड बहुत है, जिस तरह का मिल्क हमारा है उस मिल्क की डिमांड बहुत है, पर जितना मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हम लोग यूज करते हैं उतना मिल्क नहीं है, आज हमसे भी मिल्क की डिमांड है। आज ये देखिए ना, मतलब मिल्क के जो सर्वेज आ रहे हैं तो वो सभी बताते हैं कि मिल्क कितना है इंडिया में, तो हम डिमांड तो बहुत है, खैर हम लोग भी चाह रहे हैं कि हम लोग भी पूरा करें, कोशिश कर रहे हैं। मिल्क के लिए आपके पास पूरी तरह से ऑटोमेटिकली चीजें हैं, बट जैसे आपने बताया कि मसाले जो हैं या और भी जो दाल वगैरह है वो सारी चीजें किसानों से आप प्रोवाइड करवा रहे हैं लोगों तक, तो इनकी प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? इनकी प्योरिटी हम सोर्सिंग जो करते हैं, हम हमारे सामने करते हैं सोर्सिंग, एक तो पहले सब मेन प्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है ग्रो करना, मतलब पेस्टिसाइड एंड केमिकल रहित ग्रो करना, उगाना, तो हम पहले तो वो श्योर कर रहे हैं कि वो पेस्टिसाइड एंड केमिकल रहित हो। दूसरी बात, जब आपके पास चीज आ गई, जैसे चाहे आपके पास हल्दी आई, मिर्ची आई, धनिया आया या फिर दाल आई, कुछ भी आई, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपको उसका वैल्यू एडिशन पैक बनाना है, या फिर विदाउट कैसे आप उसको प्रिजर्व कर रहे हो, तो वो वाली चीज में हमारा इंटरफेरेंस रहता है, वो सारी चीजें हम हमारी देखरेख में ही करते हैं, सारी सोर्सिंग करने के बाद का प्रोसेस जो है वो हमारी देखरेख में हमारे सामने ही होता है, तो ये कंटामिनेशन रहित होता है। जब आपने ये स्टार्ट किया था तब आपको कुछ इश्यूज आए होंगे इसको स्टार्ट करने में, प्रॉब्लम्स आई होंगी, तो वो क्या रही? हर चीज का अपना नेचर होता है, जैसे कि हम जब इस फील्ड में आए मिल्क के, दूध के, तो हमें दूध का नेचर समझना पड़ा, कैसे दूध होता है, क्या दूध होता है, प्योर दूध क्या होता है। आज जैसे कि सर ने भी बताया कि गाय का देख के समझ में आ जाता है उसको बीमारी क्या है, उसको ये चीज प्रॉब्लम है, या फिर दूध है तो मिल्क आया, दूध आया तो दूध में क्या प्रॉब्लम आ रही है, दूध पतला है या सिर्फ पतला ही है या उसमें और भी कुछ मिलाया है, क्या प्रॉब्लम है। इसी तरह घी, तो वो उसको समझा। अब हम जिस फील्ड में आए हैं तो हमने उसका समझा, जैसे हल्दी का प्रोसेस करने का तरीका अलग होता है, उस चीज को समझा। जब तक आप खुद नहीं करोगे किसी भी चीज को तब तक नहीं समझ पाओगे। जैसे धनिया है उसको कैसे रखना है, कैसे समझा, जैसे मैंने आपको मोरिंगा का बताया जी। मोरिंगा हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया कि उसका रिजल्ट ये है, तब हम आज दूसरों को 100% प्रूवनली बोल रहे हैं कि नहीं ये चीज है, यूज दिट, ये चीज आपके लिए अच्छा है और इसको इस तरीके से यूज करो। तो ये चीज हमने उस चीज को समझी है और उस चीज को फिर लॉन्च की है। मोरिंगा के बारे में आप कुछ डिटेल्स बता दीजिए ताकि लोगों को पता पड़े कि वाकई उनके लिए फायदेमंद है, इसका जो एक्सपेरिमेंट आपने किया है उस बारे में। मोरिंगा का एक्सपेरिमेंट सबसे पहले हमने हमारी काउस पे किया, और ये भी मुझे एक अवार्ड मिला था एमएसएमई मिनिस्ट्री से, जब मैं गिरिराज सिंह जी सर ही थे तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था, तो उन्होंने ही एक मुझे मतलब क्योंकि उनका पैशन रहा है डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री, तो उन्होंने ही हमें प्रोजेक्ट दिया था कि मोरिंगा, मतलब नो डाउट उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया था। पर जब हम इस फील्ड में गए, हमने इसका एक्सपेरिमेंट जब प्रूवनली किया, तो हमने देखा कि मोरिंगा को एक साइंटिफिकली तरीके से ग्रो करके यदि उसकी पत्तियों का प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो वो काऊ हेल्थ, मतलब जानवरों की हेल्थ, भले कोई भी जानवर हो, जानवरों की हेल्थ पे जो इफेक्ट उसका सामने आया है, उसके जैसे कि मेडिसिनल कॉस्ट फार्म का जीरो हो गया, मेडिसिनल मतलब अदर बीमारियां, क्योंकि मोरिंगा इटसेल्फ इज एंटीऑक्सीडेंट, मल्टी विटामिन, जो विटामिन की कमी होती है वो पूरा करता है, तो एक तो उसका मेडिसिनल कॉस्ट हमारा खत्म हुआ, दूसरा इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम जो रही वो, जब आप किसी को मल्टी विटामिन देते हो तो उसकी बॉडी की सारी डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है, तो वही चीज हमारी गायों के साथ हुई है। तो इस तरह से करके और काऊ हेल्थ, काऊ शाइनिंग पे बहुत इफेक्ट आया,
मिल्क यील्ड जो प्रोडक्टिव काउस थी वो 30% बढ़ा। तो ये सारे इफेक्ट जो मोरिंगा के जो आए हैं तो उसके कारण हमने, और कई देशों में ये प्रूवन है कि ये मल न्यूट्रिशन पे जब हमने इसका इफेक्ट देखा, कुपोषण पे, छोटे बच्चों पे, बच्चियों पे, उस पर भी मैं काम कर रही हूँ, तो उस पर मैंने जब इफेक्ट देखा तो उसके भी रिजल्ट इतने अच्छे आए, तो हमने कहा कि हम इसे प्रमोट करते हैं मसालदारी में। जो स्पाइस रैक होता है उसमें हर किचन में इसका यूज हो, इसलिए हमने मोरिंगा को हर किचन में इंट्रोड्यूस करने की पहल उठाई है कि आज कम से कम लोगों की हेल्थ इफेक्ट रहे, उनका इम्यूनिटी बनी रहे, उन्हें जो दूसरे मल्टीविटामिन पिल्स खाने पड़ते हैं वो ना खाने पड़ते हैं। मोरिंगा में दो प्रोडक्ट्स हैं, आपने एक मसालदारी में यूज किया और एक आपने चिल्ड्रंस के लिए निकाला है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो स्पाइस में मसालदानी में मसाला रैक में जो हमने बनाया है मोरिंगा, वो साइंटिफिकली जो ग्रो किया हुआ है मोरिंगा, साइंटिफिकली ऑर्गेनिकली, वो लीव ही पाउडर है, वो आप यूज कर सकते हैं उसे करीज में, सिंपल किसी में भी, मतलब मसाले में, ग्रेवीज में, सूप्स में, एंड यू कैन यूज इट विद हॉट वाटर, कैसे भी, बट यू शुड यूज एक स्पून आप डेली यूज करें। और जो हमने प्रीमियम, हमारे प्रीमियम रेंज में रखा है, वो मोरिंगा हमने ग्रेन्यूल्स के रूप में रेडी किया है, क्योंकि मोरिंगा आपका कोई टेस्ट नहीं होता है, वो लाइक आप पत्तियां खा रहे हो कैसे खाओगे। तो हमने उसमें उससे जो लॉन्च किया है कि बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा, बच्चों में इम्यूनिटी होना बहुत जरूरी है, तभी वो आगे मेंटेन कर पाएंगे, आगे उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उनकी हाइट, आज देखो ना, आज हम देखते हैं बच्चों की एक नॉर्मल एवरेज हाइट, लड़कों की एवरेज हाइट 5'7" 5'8" हो गई, क्यों? और यही हम डच पीपल्स की देखें, क्योंकि वो प्योर डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, प्योरिटी में प्योर पेस्टिसाइड केमिकल फ्री कर यूज करते हैं, और वहाँ पे प्योर न्यूट्रिशन की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होने के कारण ये सारी चीजें हैं, तो इसीलिए हमने मोरिंगा ग्रेन्यूल्स में लॉन्च किया है कि बच्चे भी उसका यूज कर पाए, चाहे माउथ फ्रेशनर के रूप में उसको किसी सौंफ वगैरह के साथ मिक्स करके यूज कर सकते हैं, या फिर मिल्क में, जैसे बच्चे बहुत यूज करते हैं कि ना हॉर्लिक्स पीना है, बॉर्नविटा पीना है, तो मोरिंगा एज ए मोरिंगा विद ग्रेन्यूल्स हमने उसको लॉन्च किया है, तो उसको आप डायरेक्ट मिल्क में भी यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं जैसे एंटी कैंसरस कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो मैंने वो मून मिल्क मिक्स यूज, मिक्स नाम दिया उसको, विच इज ब्लेंडेड टर्मरिक विद हर्ब्स, जो कि वन एक और जो एंटी कैंसरस मेरा प्रोडक्ट है वो है। तो उसका बेस्ट इफेक्ट क्या है कि इंसोमेनिया, जो नींद ना आने की बीमारी जो रहती है, डिप्रेशन काफी बढ़, हाँ, जो रहता है, तो वो उसकी बेस्ट रेमेडी है। तो यदि आप उसको लेंगे और रात को लेके सोएं तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश फील करेगा, आप डेली रात को लेके सोएं, और इसके प्रूवन रिजल्ट हैं। तो ये सारी एंटी एलर्जिक और ये सारी चीजें जो मैंने लॉन्च की, दीज ऑल आर लाइक, ये सभी चीजें जो है मैं हेल्थ बेनिफिट्स पे मैं लॉन्च कर रही हूँ। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की अवेयरनेस लोगों में काफी कम है, तो लोगों में अवेयरनेस आए इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? लोगों में अवेयरनेस, मैं तो अपने आप को ये मानती हूँ कि मैं अवेयरनेस कैंपेन में ही हूँ। आज शायद मैंने आपसे इतनी बात की है, तो कम से कम आप थोड़े दिन तो ये सोचेंगे कि हमें प्योर खाना है। तो जब व्यक्ति जिस वक्त जिस जगह ये सोचना चालू कर देता है, मुझे प्योर खाना, मुझे प्योर कहाँ से मिलेगा, तो वही एक अवेयरनेस का मेन पार्ट होता है, और वहीं से व्यक्ति काम करना शुरू करता है। तो इसी ढंग से मैं अवेयर करना चाहती हूँ कि लोग ये सोचना चालू करें कि उनका फूड कहाँ से आ रहा है, चाहे वो उनके पास में बंधे, पास में जो गाय वाला हो उसके यहाँ से आए, या कहीं से भी आए, पर जहां से भी आए उसका फूड, उसका खाना प्योर होना चाहिए, क्योंकि ये जो खाना है पेट के लिए हम सब कर रहे हैं, और उसी के लिए सारी बीमारियां हो रही है। तो वो मेन मोटो है मेरा। अभी हाल ही में शांता फार्म्स का एक स्लोगन आया है कि कुछ मीठा हो जाए की जगह कुछ ऑर्गेनिक हो जाए, तो उस बारे में आपका क्या कहना है?
ये तो है, मैं ये बोलना चाहूंगी कि कुछ दिवाली या गिफ्टिंग पे लोग बोलते हैं ना कि चलिए कुछ मीठा हो जाए, तो आज हम लोग यही बोलेंगे कि चलिए कुछ ऑर्गेनिक हो जाए, कुछ प्योर हो जाए। हो सकता है बहुत अपील ना करे, पर ये आपके लिए, मैं आपका दुश्मन होऊंगा तो मैं आपको मीठा दूंगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर आए, तो हम यही बोलेंगे कि भाई नहीं, चलिए कुछ ऑर्गेनिक हो जाए, कुछ जैविक हो जाए। मतलब आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहती है कि ऑर्गेनिक के बारे में कितना यूज करना चाहिए और अब इस दिवाली कैसे स्टार्ट करना चाहिए? मैं दर्शकों को यही बोलना चाहती हूँ कि इस दिवाली से ही आप चलो कुछ मीठा हो जाए को बदल के चलो कुछ ऑर्गेनिक हो जाए वाली थीम पर लौटे। अच्छा दूध पिए, अच्छा घी खाएं, और घी जरूर खाएं क्योंकि घी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, प्योर घी हमारे बॉडी में लुब्रिकेंट का काम करता है। तो प्योर प्योर घी खाएं, और प्योर मसाले, प्योर शहद, प्योर दालें, प्योर आटा, ज्वार बाजरा मक्का, जो हमें, जो हम कई सारे सोच छोड़ चुके थे कि नहीं ये लोग पुराने लोग खाते हैं, वो चीजें हमें वापस अपनानी होगी और हमें जैविक के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं, हम लोगों को ऑर्गेनिक जैविक ही गिफ्ट देंगे। तो मैं बस वही कहना चाहती हूँ कि ऑर्गेनिक के लिए थोड़ी छोटी पहल, चलो कुछ ऑर्गेनिक हो जाए। थैंक यू सो मच मैम। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.